तुम ऐसा करो कि वजिया को लेकर यहीं कराची आ जाओ, फिर शादी हम लोग यहाँ कराची में कर लेंगे। अब देखो ना, मेरे सारे रिश्तेदार यहाँ पर हैं और तुम्हारे भी तो सारे ससुराली यहीं पर हैं। अब रोज रोज का हैदराबाद आना जाना लगा रहेगा ना, सहूलत हो जाएगी सबको। अब एक बात बताऊं, मैंने तो बरी की सारी तैयारियां करके रख ली हैं। चलो अपना बहुत ख्याल रखना तुम खालदा, तुम्हारा शिद्दत से इंतजार है मुझे। खुदा हाफिज़। अरे अली, वो हैदराबाद से ना तुम्हारी खाला बजिया आ रही हैं। अब देखो भाई, मैंने तो उनसे कह दिया कि शादी जो है यहाँ कराची में ही करेंगे। अब बेचारी गरीब औरत है, बेवा है, कहाँ से करेगी वो सारी तैयारियाँ। अच्छा हाँ, मुझसे पूछ रही थी कि तुमसे पूछ लूँ कि शेरवानी कहाँ से बनवाओगे, हैदराबाद से या कराची से। मैं शादी नहीं करना चाहते। अरे क्यों नहीं करनी तुम्हें शादी? तुम्हारी उम्र के लड़कों के दो दो बच्चे हैं। अरे तुम मेरी अकलौती औलाद हो, मेरा भी दिल चाहता है पोते पोतियों को खिलाऊं, और तुम हर बार शादी को इनकार क्यों कर देते हो? अम्मी मैं इनकार नहीं कर रहा, मैं वजिया से शादी से इनकार कर रहा। अम्मी मैं महनूर से शादी करना चाहता हूँ। और मेरे जीते जी ये हरगिज़ नहीं हो सकता।